जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं कुर्मा रुक्मिणी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस कार्यक्रम। ये कार्यक्रम शनि पीठ मंदिर नई दिल्ली 38/18 ईस्ट पटेल नगर से हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं, ताकि आप सभी अपने जीवन को और बेहतर बना सके। आज हम जिस विषय में चर्चा करने वाले हैं वो है कि कैसे हम अपने घरेलू पानी से ही अपने रोगों का उपचार कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में उनको बीमारियां घेर लेती हैं, ना चाहे भी शरीर खराब हो जाता है, शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दवाइयां नहीं लगती हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हर समय बार बार थोड़े थोड़े समय बाद बीमार होते रहते हैं। चाहे आपकी बीमारी छोटी हो चाहे आपकी बीमारी बड़ी हो, आज मैं आपको आसान और एकदम परखा हुआ उपाय बताने जा रही हूँ, जिसे आप घर में ही बिना किसी खर्च के कर सकते हैं और अपने समस्त रोगों से आप निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपकी श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। तो इसलिए अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, कोई शारीरिक कष्ट आ रहा है, कोई बीमारी है, या आपके घर में किसी सदस्य को या आपके परिवार में किसी सदस्य को या किसी मित्र को परेशानी आ रही है शारीरिक तौर पे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाए और वो भी एक स्वस्थ जीवन जी सके। अगर आपने हमारा ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे तुरंत ही सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन, घंटी का आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई देने लगे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वदेको दयामानाम अवर को असि संस्रते। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि संसार रूपी अग्नि से आप हमें बचा सकते हैं। तो हे महाबाहो, हे महायोगी, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, आप हमारी रक्षा करें। जीवन में ईश्वर से हम जब भी मांगते हैं तो सबसे पहले तन मांगना चाहिए, यानी कि तन मन धन हमें प्राप्त, क्योंकि अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, आपका शरीर ही अच्छा नहीं है, तो आपको किसी भी चीज का कोई सुख अनुभव नहीं होता। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो लेकिन बीमारी आपको घेरे हुए है, तो क्या उस पैसे का आप सुख ले सकते? अगर आपका तन ही स्वस्थ नहीं है तो मन कैसे स्वस्थ होगा? आप मन से दुखी रहेंगे। तो इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता जो जीवन की है वो तन है, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। चलिए अब बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। किस प्रकार से आप अपनी राशि के अनुसार इस उपाय को करके अपने घर में ही समस्त बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं, शारीरिक बल बढ़ा सकते हैं, जीवन की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं और अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, आइए उसी उपाय की चर्चा करते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगी कि हमारे चैनल पर डेली का राशि फल भी आप देख सकते हैं। स्वामी राजऋषि जी डेली आप सभी की राशियों के बारे में, आपके आज के सितारे के बारे में बताते हैं। तो अपने दिन की शुरुआत आप अवश्य ही सुबह राशि फल से करें, आज के सितारे देख करके करें और स्वामी राजऋषि की वाणी में उस राशि फल को देख करके, वो साथ में उसमें उपाय भी बताते हैं, सावधानियां भी बताते हैं जो आपने नित्य ही प्रयोग करनी है। तो इसलिए आप राशि फल भी स्वामी राजऋषि जी का नित्य ही सुबह देख करके अपने दिन का प्रारंभ करें। अब बात करते हैं हम कुंभ वालों की। अगर आपकी लगन एक्वेरियस है, यानी कि कुंभ लगन है, या आपकी राशि कुंभ है, लगन से मेरा अर्थ है कि आपकी जन्म कुंडली में जो आपकी लगन 11 नंबर की है, तो आपकी लगन एक्वेरियस है यानी कि कुंभ है। जिन लोगों को अपनी लगन नहीं मालूम है, आपकी जन्म कुंडली में जो पहला खाना है उसके अंदर जो अब नंबर लिखा है उसके हिसाब से आपकी लगन कौन सी होगी वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसके माध्यम से भी अपनी लगन को देख सकते हैं। हम जन्म कुंडली में जब भी देखते हैं तो शरीर को पहले घर से ही देखते हैं, लगन से ही देखते हैं। अगर आपकी लगन मजबूत है, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपकी कुंभ लगन है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर आपको जन्म कुंडली नहीं मालूम तो आप अगर कुंभ राशि के हैं तो भी आप इस उपाय को करें, अवश्य ही आपको लाभ होगा। इस उपाय को करने के लिए
बिल्कुल नीले रंग की दो बोतल आपने लेनी है। आप इस बोतल को प्लास्टिक का भी ले सकते हैं या अगर कांच की बोतल है तो आप उसे भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो कलर है वो नीले रंग की हो इस बात का आप ध्यान रखें। उस बोतल में आप ऊपर तक साफ पानी भरें और सुबह सुबह अपने मंदिर पे जाकर के बैठे उस बोतल का मुंह खुला हो और उस इस प्रकार से रखें कि मंत्र उच्चार उस पानी तक टकराए, उस पानी को अभिमंत्रित करें। हो सकता है अब आप सोचे गुरुवा ना जाने हमें कौन सा मंत्र देने वाली है, कितना मुश्किल हो, हम कर पाए या नहीं कर पाए। तो मैं जानती हूँ जिनको शारीरिक कष्ट है, जो बीमार है, तो उनको मंत्र करने में भी कठिनाई होगी, इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही सरल सा एक मंत्र लेकर के आई हूँ जिसे आप करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। ये मंत्र रामचरितमानस की चौपाई है, प्रभु श्री राम की कृपा है इसमें। अगर आप इस चौपाई को 108 बार उस जल के सामने बैठ करके पढ़ेंगे, उसका ध्यान रखें, उस बोतल का मुख खुला होना चाहिए ताकि आपके मंत्रों की शक्ति, आपका उच्चारण, आपकी वाइब्रेशंस उस बोतल में प्रवेश करें। कौन सी चौपाई का पाठ करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं का मोही व्यापक, अर्थात दैहिक यानी शरीर का जो भी ताप है, जो भी शरीर के कष्ट है या जो भौतिक कष्ट है या जो दैविक कष्ट होते हैं, ऐसे कोई भी कष्ट राम के राज में भगवान श्री राम की कृपा के मध्य कभी नहीं आते। तो जिन पर भी राम की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, उनके साथ कभी भी ऐसे कोई भी ताप उन्हें सता नहीं सकते, कोई भी कष्ट उन्हें दुखी नहीं कर सकते, कोई परेशानी उन्हें दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि कण कण में ईश्वर है। जब इस चौपाई को आप 108 बार उच्चारण करेंगे तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। 108 बार इस चौपाई का उच्चारण करने के बाद आपने इस बोतल को रात्रि के समय आप इसे बाहर रख लें और रात में पूरे रात इसे बाहर रहने दें और शनि ग्रह की जो इसमें कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, इस पे आप पढ़ने दें और सुबह के समय इसे आप लेकर के आए और आपने इसी बोतल से पानी पीते हुए इसका प्रयोग करना है। अगले दिन भी इसी विधि को आपने दोहराना है। 43 दिन तक आप इस विधि को दोहराएं, यानी सुबह इस चौपाई का उच्चारण करना है, फिर बंद करके उस बोतल को बाहर रख देना है ताकि उसके अंदर उन ग्रह देवता की वाइब्रेशंस, जो ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आ रही है वो उसमें समाए, और फिर आपने उसको अपने घर में लेकर के उसी जल का, जो बीमार व्यक्ति है उसी जल का प्रयोग करें। अगले दिन फिर आपने इसी तरीके से जल को तैयार करना है और 43 दिन तक इसी प्रक्रिया से आप इस जल का प्रयोग करें और देखेंगे कि चमत्कारिक रूप से आप बहुत ही शीघ्र स्वस्थ होने लगे। जिनको दवाइयां नहीं लग रही, दवाइयों ने भी प्रारंभ कर दिया असर करना, उनका स्वास्थ्य और बेहतर होने लगा है, ऊर्जा और आने लगी है, शक्ति और आने लगी है, आत्मविश्वास बढ़ने लगा है और शरीर और पुष्ट पुष्ट हो रहा है। तो आप इस उपाय को अवश्य करें, भगवान की कृपा से अवश्य ही आपकी जो भी शारीरिक कष्ट है, बीमारी है, रोग है, वो छूमंतर हो जाएगी। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगी जो बीमारी से संबंधित है। मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है और बहुत से लोगों पर देखा भी है, जब आपका मन स्वस्थ नहीं है तब आपका तन कभी भी स्वस्थ नहीं रहता। जो व्यक्ति मानसिक परेशानियों से ग्रसित रहता है उसका शरीर भी बहुत जल्दी बीमारियों को पकड़ता है। इसलिए आप अपने मन को स्वस्थ रखने का प्रयास करें, अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। अगर आपको कोई कष्ट है, आपको मानसिक कोई पीड़ा है, तो आपके रोग, आपकी बीमारियों में इजाफा होगा। मन के कारण आप अपने तन को खराब ना करें, तो इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। उसके लिए क्या करेंगे, आप खुले वातावरण में रहने का प्रयास करें। जिन लोगों को बीमारी हो जाती है, रोग हो जाता है, कोई शारीरिक कष्ट होता है, वो लोग एक ही कमरे में अपने आप को बंद करके या एक ही बिस्तर पे अपने आप को बंद करके वहीं रहते हैं। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि वो खुले वातावरण में रहे, हो सके तो खिड़कियां दरवाजे खोल के रखें। अगर आप बाहर जा सकते हैं तो अति उत्तम है। आप रोजाना एक नियम बना लें कि आप पार्क जरूर जाएं, पार्क जाके, गार्डन जा करके वहां पर आप बैठें थोड़ी देर, चाहे आप टहले नहीं, चले नहीं, वहां बैठ जाएं, लेकिन ताजी हवा से, उस ताजी हवा को अपने भीतर लेने से भी आपका शरीर और मन जल्दी स्वस्थ होगा।
मन शांत होगा तो शरीर अपने आप ही स्वस्थ होने लगेगा, क्योंकि मन के कारण आप अपने तन के रोगों को बढ़ा रहे हैं। दूसरा काम जो आपको करना है वो है पॉजिटिव रहना। हर बीमार व्यक्ति एकदम आत्मविश्वास खो देता है, बिल्कुल ही मानसिक रूप से दुर्बल हो जाता है। आप अगर अपना आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, आप मानसिक रूप से दुर्बल नहीं होंगे, तो आप शीघ्र ही हर परेशानी से, हर बीमारी से स्वस्थ हो जाएंगे। आपने अपने अंदर कोशिश करें पॉजिटिविटी लाएं, अपने मन को सोचें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं या हो रही हूं, मैंने जो भी दवाई ली है या जो भी मैं उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं इससे स्वस्थ अवश्य हो जाऊंगी। मन में ऐसा संकल्प करें तो देखिए दवाइयां भी आपको लगेंगी, उपाय भी आपको लगेंगे और आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट मैंने सुना है, विदेश में कुछ डॉक्टर्स ने इस बात पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने दो टुकड़ियों में, पांच पांच की दो टुकड़ियों में, दो ग्रुप्स में बीमार लोगों को बांटा था। लेकिन एक ग्रुप में ऐसे बीमार लोग थे जो बिल्कुल ही निराश हो गए हैं, बहुत नेगेटिव हो गए हैं। उनका मानना है उन्हें कुछ ठीक ही नहीं कर सकता, ना कोई दवाई ठीक कर सकती, ना उन्हें कोई डॉक्टर ठीक कर सकता, जो बिल्कुल निराश और थक गए। और दूसरी ओर पांच लोग उन्होंने ऐसे लिए जिनको विश्वास है कि दवाई लेने से हम स्वस्थ हो जाएंगे। दोनों को सामान्य रूप की बीमारियां थी। अब उन्होंने क्या किया, जो नेगेटिव वाला ग्रुप था उस ग्रुप को उन्होंने दवाइयां दी, और जो पॉजिटिव वाला ग्रुप था जो सोचते थे कि हाँ दवाई से हम ठीक हो जाएंगे, उन्होंने उनको मात्र जल दिया, कोई दवाई नहीं दी। लेकिन उनको ये कहा गया कि ये जो दवाई है ये आपको बहुत लाभ करेगी। और डॉक्टर्स भी इस बात से आश्चर्यचकित रह गए कि उन पांच में से मात्र एक व्यक्ति ही दवाई से थोड़ा बहुत स्वस्थ हो रहा था, जबकि दूसरी ओर जो पांच लोग थे जो कि पॉजिटिव थे, उनमें से पांच में से चार लोग स्वस्थ हो गए। तो मन में बहुत शक्ति है, अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को सोचें कि नहीं हमने स्वस्थ होना है, हम स्वस्थ हो जाएंगे। अगर ऐसा पॉजिटिव सोच आप रखेंगे, अपने मन में आत्मविश्वास जगाएंगे, तो देखिए आपको जल्दी दवाइयां लगेंगी और अपनी सभी बीमारियों से आप मुक्ति पा जाएंगे। इस उपाय को 43 दिन करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि अभी भी उतना सुधार नहीं हुआ है, या अभी भी कहीं अड़चन है, या आप इस उपाय को प्रारंभ ही नहीं कर पा रहे हैं, बीच में रुक जा रहे हैं, तो इस बात को समझ लीजिए कि आपकी ग्रह बहुत ही खराब है। तो उस स्थिति में आप घबराए नहीं, मुझसे अथवा हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी से आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। स्क्रीन पर हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं, आप उसके द्वारा हमारे यहाँ संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए हमसे बुक कर सकते हैं एक अपॉइंटमेंट। एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट आप बुक करेंगे और अवश्य ही मैं अथवा हमारे गुरुजी गुरु रजनीश जी आपकी जन्म कुंडली को अध्ययन करेंगे, और जो भी आपको रोग देने वाले, जो भी आपको कमजोर करने वाले ग्रह हैं, उनको हम उपाय द्वारा ठीक करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो भी आप घबराएं नहीं, क्योंकि उस स्थिति में हम आपके चेहरे को देख करके आपके प्रश्न कुंडली बना करके हर प्रकार का निवारण करते हैं। अगर आपको बीमारियों की अतिरिक्त और कोई समस्या है तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो धन से संबंधित हो, आपकी जॉब या करियर से संबंधित हो, आपके प्रमोशन नहीं हो पा रहा उससे संबंधित हो, या फिर आपकी बिजनेस से संबंधित हो, धन से, कर्जे से संबंधित हो, आपकी शादीशुदा जीवन या आपकी शादी नहीं हो पा रही है उससे संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, आप किसी भी ऐसी समस्या के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जन्म कुंडली के माध्यम से आपकी सारी परेशानियों को दूर करने का वचन देते हैं। जन्म कुंडली दिखाने के लिए निश्चित रूप से ये एक फ्री सेवा नहीं है, एक छोटी सी पीस लगती है जो कि हमारे शनि मंदिर के संचालन के काम आती है, और जो हम सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हैं, जैसे महायज्ञों का आयोजन किया जाता है समय समय पर, हर शनिवार जो लंगर इत्यादि की सेवा होती है, जो हलवे का प्रसाद हम बांटते हैं, या समय समय पर अन्न दान करते हैं, उस सब के लिए प्रयोग की जाती है। साथ ही जो लड़कियों को मैं फ्री कंप्यूटर एजुकेशन देती हूँ, वेब डिजाइनिंग मल्टीमीडिया का हम लोग कोर्स कराते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं गरीब लड़कियों के लिए, उसके लिए सब प्रयोग की जाती है। तो आप इन सेवाओं में भी इस फीस को देने के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। आप सभी पर भगवान की कृपा दृष्टि बरसती रहे, आप सभी अपने जीवन में तन मन धन को प्राप्त करें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जय शनि।
बिजनेस फेल हो गया है? क्या आपके व्यापार में आपको लगातार घाटा हो रहा है? क्या आपको लगता है कि आपके काम धंधे पर किसी की बुरी नजर लग गई है? तो आज ही 133 देशों में प्रसिद्ध शनि मंदिर वाले परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी से अपनी सभी समस्याओं का समाधान जानिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें